देश में इस वक्त एक मामले की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का के जो विवाद का केस है उसके बारे में। जो पत्नी है वह SDM के पद पर चयनित हो जाती है, जबकि पति है वो लगातार पढ़ाई उसको करवाता रहता है, ऐसा पति का कहना है, और उसका चयन कहीं नहीं होता। अब दोनों के बीच में विवाद है। बाबा बागेश्वर धाम में उनके दिव्य दरबार के पंडाल में हम आए हैं, ये लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे पूछते हैं आखिरकार इस केस के बारे में क्या कहना है। ज्योति और आलोक के केस को आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, क्या कहना है आपका, कौन से पक्ष की बात ज्यादा सही लगती है? देखो जी, साथ में रह के पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में मन से तन से उनको पढ़ा लिखा कर किया, उन्होंने विश्वासघात किया, आगे से विश्वास टूट रहा है, कोई भी इतनी कोशिश नहीं करेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी सोचना समझना चाहिए। और क्या नाम है, राष्ट्र बनाना है, उसके बाद में जिससे कि कोई भी पढ़ाई लिखाई का ऐसा होगा तो आगे से विश्वास टूटेगा। देखिए, ये विश्वास टूटने की बात कर रहे हैं, मैडम आप ये बताइए, आपने ये केस सुना है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का? बिल्कुल जी, मैंने केस सुना है, इतनी मेहनत से उन्हें पढ़ाया और तो उनसे विश्वास उठ गया कि यदि कोई किसी की मदद करेगा और इस पढ़ाई लिखाएगा और कोई बाद में छोड़ देगा कि कितनी खराब बात है। लेकिन ये बताइए कि उनका भी तो, ज्योति का भी तो ये कहना है कि आपको बीच की बात नहीं मालूम? बिल्कुल, बीच की बात तो नहीं मालूम मुझे, मगर तब भी मैं कहूंगी जब उसको इतना मेहनत से पढ़ाया तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। मतलब कि आलोक के प्रति सहानुभूति है? बिल्कुल, ये आपका कहना है। बेटा आपका क्या कहना है, ज्योति मौर्य आलोक सोशल मीडिया पर तो बहुत वायरल चल रहा है, पहला व्यू क्या है आप? मेरा व्यू ये है कि हम सबसे पहली प्रायोरिटी आजकल हम देते हैं तो पढ़ाई को ही देते हैं, और कोई हमें पढ़ा रहा है और हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं तो फॉरेन रहती हूँ, दुबई रहती हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए अपने हस्बैंड से 5 साल से दूर हूँ, बट हमारे बीच में ट्रस्ट बॉन्ड है कि मैं उनका नहीं तोड़ूंगी, वो मेरा नहीं तोड़ेंगे, मेरे को महीने टू महीने पैसे आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, बट जो उन्होंने करा है ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गलत उसका फायदा उठाएंगे, एक जो ट्रस्ट है वो टूटता है। आप भी महिला हो, ज्योति भी तो ये कह रही कि उनके साइड की स्टोरी अभी नहीं, बीच में क्या हुआ है चयन होने के बाद ये किसी को नहीं पता। देखिए, वुमेन्स के लिए ना आज का एक लॉ बन चुका है, वुमेन्स कुछ भी कर सकती है, ये चीज गलत है। अब वो बीच की बात बता रही है, देखिए वो तो किसी को भी नहीं पता, जो उनके हस्बैंड पे बीती है वो उनके हस्बैंड को पता है, जो उन पे बीती है वो उन्हें पता है, बट एक पढ़ाई पढ़ाई आजकल सब कुछ है। लेकिन आपका ये क्या, हम ये कह सकते हैं कि ज्योति की तरह कंडीशन आप भी है, आप भी अपने पति से दूर रह रही हैं लेकिन आप पढ़ाई कर रही हैं और इन इस कॉन्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रख रही हैं? उनका छोड़ना बिल्कुल गलत है, छोड़ना कोई हल नहीं होता किसी को, और वो भी जिसने तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट दी है, वो आदमी कैसे स्ट्रगल करा, उसने कैसे कमाया है, वो कैसे मतलब उसने अपना सब कुछ दे दिया और आफ्टर ऑल उसे क्या मिला, तुम तो एक उस पे चले गए पोजीशन पे और उसने तुम्हें छोड़ दिया। दिस इज नॉट द वे, दिस इज अबाउट गिव एंड टेक, व्हेन यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग देन यू आर नॉट एट दैट पोस्ट, यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट। आप भी जिस तरीके से पढ़ रही हो, अपनी स्टोरी भी आप ज्योति से रिलेट कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक तो सब एक से नहीं होते हैं, सब एक से नहीं होते हैं, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट, और वो भी जो भैया मेरे लिए, मेरे भगवान से पहले वो आदमी जो मुझे शिक्षा देके लायक बना रहा है। क्या कहना है आपका? मेरा भी यही मानना है, छोड़ना नहीं चाहिए उन्हें, उनका संबंध रखना चाहिए, उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया है, फादर भी लड़की को पढ़ाता है ना, तो लड़की अपने फादर से संबंध रखती है ना, तो एज ए उन्हें उसके साथ रहना चाहिए।